हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पी बहुत पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और देखेंगे आज बैंक निफ्टी मार्केट क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज जो आज गैप अप में ओपन हुआ है और फर्स्ट रेजिस्टेंस था 25930 जो ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट करके ऊपर में गैप ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 26069 एंड थर्ड रेजिस्टेंस मिला हुआ है 26342 और फर्स्ट सपोर्ट मिला है हमें 25519 एंड सपोर्ट सेकंड सपोर्ट 25246 एंड थर्ड सपोर्ट 25107 राइट। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में ये मैंने हेकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिया हुआ लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक बात आपको देखना चाहिए, यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है ये लेवल में। तो इसमें आप थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो प्रीवियसली जो हायर हाई है ठीक है और लोअर हाई तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए तब तो आपको बाय लेना है। कब? 26014 जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करने से आपको बाय ले सकता है ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले वेट करना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट करने दीजिए। तो लेकिन थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है। बाकी भी यहाँ से एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे जो हायर हाई हायर लो बनाया तो इससे भी हायर लो बना सकता है। लेकिन ये मार्केट कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ये जो पहले एक हमें रेजिस्टेंस मिला तो रेजिस्टेंस का नीचे में कभी बाय नहीं करने का, तो इसलिए इसको ब्रेकआउट करने के लिए हम वेट करना चाहिए। अगर 4 आवर में देखे तो 4 आवर में आप देख सकते हैं ये जो हायर हाई बनाया तो इसमें थोड़ा मार्केट ये रीजन में साइडवे था, फिर से अभी ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट आपको कंफर्म होना चाहिए, इसको ऊपर ही मार्केट क्लोज होना चाहिए ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो इसको जो मूविंग एवरेज 200 है इसको एक सपोर्टिंग बनाया, पहले थोड़ा ब्रेकआउट किया था फिर से ऊपर और पहले जो रेजिस्टेंस लाइन था हमें जैसे ये हमें रेजिस्टेंस लाइन इसको ब्रेकआउट किया हुआ है तो ब्रेकआउट गैप अप ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था 26016 तो उसका आसपास से मार्केट ओपन हुआ है राइट। तो इसलिए हमें इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, इसका इसके बाद ही हमें बाय में जाएंगे ठीक है। तो अगर 5 मिनट में देखिए आप 5 मिनट में भी सेम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं राइट। अभी जो मूविंग एवरेज है कंटिन्यूसली क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो अगर ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है 50 तो किसको ब्रेकआउट किया 150 को, तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 ये है 150 जो ये 50 क्रॉसिंग करने का कोशिश कर रहा है। तो जब क्रॉस कर लेगा तो 5 मिनट में वो अप टेन शुरू हो जाएगा ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी रिट्रेसमेंट देना चाहिए यहाँ से क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो इसलिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।